हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा जो आज हम बनाने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम कुछ एक नए स्टाइल में डिजाइन बनाने वाले हैं, जैसा कि आप ये डिजाइन में देख रहे हैं। आपने इस तरह के टोमेटो केचप्स के डिजाइन बहुत देखे होंगे, बट ये थोड़ा डिफरेंट हमने करने की कोशिश की है। जब तक आप अपने डिजाइन को थोड़ा डिफरेंट लुक नहीं देंगे तो वो बेसिक ही डिजाइन लगेगा। तो जब भी आप ट्राई करें तो थोड़ा डिफरेंट उसको लुक देने की कोशिश करें। जैसा कि इस डिज़ाइन में आप देख रहे हैं, इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है जो उसको अलग बना रहा है। इसमें सब हमने बेसिक चीज़ें ही यूज़ की हैं, और जैसा ये डिज़ाइन आपको देखने में लग रहा है उसको बनाना ही उतना ही इजी है। इसके लिए हमें चाहिए एक टमाटो केचप बॉटल की इमेज और कुछ टमाटोज की इमेजेस, और कुछ यहाँ पर हमने लीफ यूज़ की है टमाटो की, एंड बैकग्राउंड वुडन बैकग्राउंड आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, या और भी कुछ आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो यूज़ कर सकते हैं। बस यही इमेज हमने इसमें यूज की है। तो चलते हैं फोटोशॉप में और इस डिजाइन को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास आ चुकी हैं ये इमेजेस जिसको हम यूज करेंगे। तो अभी मैं बाकी इनको हाइड कर लेता हूँ, जो मुझे चाहिए वो मैं अभी यहाँ पर रखूंगा। तो अभी सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमारा डिजाइन है वो बना लेते हैं, जो हाफ यहाँ पर हम टोमेटो फिल करेंगे। तो ये इफेक्ट हम सबसे पहले यहाँ क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर जाना है मुझे इस बॉटल पे, और कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो ये आप सिलेक्शन बन जाएगा, और एडजस्टमेंट लेयर पर जाकर सॉलिड कलर आप यहाँ पर दे देंगे। आपको यहाँ पर देना है रेड कलर देता हूँ मैं, और इसको कर लूँगा पीछे बैकग्राउंड में, और इस लेयर को मैं अब मास्क कर दूंगा, और इसको मुझे गाइड लेकर मैं यहाँ से सेंटर कर लेता हूँ, और ब्रश लेकर इसको मैं यहाँ से रिमूव करूँगा इसके हाफ पार्ट को। इतना पार्ट मुझे नहीं चाहिए, थोड़ा इसको प्रिसाइजली आपको करना पड़ेगा। ये मैं यहाँ से थोड़ा जूम करके आप इसको मास्क कर सकते हैं, जिससे कि ये और प्रिसाइजली इरेज हो जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट मेरा ठीक सा हो गया है, तो ये मुझे यहाँ सही लग रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर थोड़ा सा वो रेडिश स्टोन आ चुका है इसका बैकग्राउंड में, तो वहाँ से इसको हटा लेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा, ब्रश टूल लूँगा अगेन, और यहाँ से इसको रिमूव कर दूँगा इस तरह से, जो कि आप देख रहे हैं। सिंपल यहाँ ब्लैक कलर लेकर उसको पेंट करना है आपको। तो ये हट चुका है, और इसके अंदर हम टमाटो की फिलिंग करेंगे। जो हमारे पास इमेजेस हैं वो ले आते हैं, तो ये इमेजेस हम इसमें फिल करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि इसको मास्क करेंगे, सारी इमेजेस को हम यहाँ पर ले आते हैं, और इन सब को मैं इन चारों को इसके नीचे लेकर जाएंगे, और यहाँ से क्लिप मास्क ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये सब मास्क हो जाएंगी। आप देख रहे हैं कि उसी शेप के अंदर ये आ चुकी हैं और मास्क हो चुकी हैं। तो अब हमें इनको प्लेस करना है अच्छे से, ताकि वो फिल इसके अंदर लगे। यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ, इसको थोड़ा सा हम रोटेट करके रखेंगे, और इसको भी थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे, इसको यहाँ कर लेंगे, और रैंडम आप प्लेसिंग करेंगे थोड़ी सी, और साइज भी इसका रैंडम रखेंगे ताकि वो उसके अंदर अच्छे से फिल हो जाए। ओके, तो अभी ये मेरा अच्छे से प्लेस हो चुका है। तो अभी इसमें क्या करेंगे, हम एक शैडो इफेक्ट देंगे जो कि सभी के अंदर देंगे, तो थोड़ा सा एक अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ ड्रॉप शैडो में दे देता हूँ, डार्क में ही करेंगे, डार्क ही सही है। ओके, ये ठीक है, ओके करेंगे। यहाँ से राइट क्लिक करके हम इसको करेंगे कॉपी, और बाकी लेयर्स पर यहाँ तक कर दूंगा मैं राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर। एक अच्छा सा एक इफेक्ट यहाँ बन चुका है। तो अब इसके पीछे हम रखेंगे कुछ टमाटो, यही टमाटो हम उठाकर बाहर ले आएंगे, और इसको हम ऊपर लेकर निकाल देंगे बाहर। इसको ऑल्ट के साथ क्लिक करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। इसका शेडो हम यहाँ से हटा देते हैं, क्लियर शेडो। तो अभी ये इसके पीछे आना चाहिए, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ उसको बिहाइंड इस बॉटल के। तो इस तरह से हमको यहाँ पर प्लेस करना है,
और एक और यहाँ पर हम थोड़ा साइज उसका हम यहाँ पर बड़ा कर देंगे, इस तरह से रख देंगे। तो एक और पीस मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और इसका भी यहाँ से लेयर स्टाइल हम यहाँ क्लियर कर देते हैं और इसको भी हम पीछे रखेंगे इसके। तो ये ठीक है। और अब यहाँ पर हम बनाएंगे एक शेडो, ताकि ये बॉटल की शेडो और ये टमाटो की शेडो यहाँ पर दिखाई दे। तो यहाँ से मैं लूँगा ब्रश और इसको लूँगा मैं यहाँ से, ये जो हमारा सॉफ्ट ब्रश है, राउंडेड ब्रश है, ये हम लेंगे और सिंपल इसको बड़ा कर लेते हैं अभी। और यहाँ से कलर जो लेंगे हम थोड़ा डार्क में ही लेंगे, ये रेड। सिंपल इसको क्लिक करना है और कंट्रोल टी प्रेस करके ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इसको हम इस तरह से रख देंगे यहाँ। ऑल्ट शिफ्ट के साथ इसको ड्रैग कर लेंगे, बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा साइड से, और फिर से इसको थोड़ा सा यहाँ पर छोटा कर लेंगे। तो ये हमारे इसके ऊपर आ रही है शेडो, तो इसको मुझे करना है इसके नीचे। तो अब ये पीछे हो गई है, तो ये ठीक है। इसका शेडो थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं ओपेसिटी, ये ठीक है। एक और कॉपी कर सेम इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बढ़ा दूंगा, तो ये भी यहाँ पर ठीक लग रही है। तो ये अभी फ़िलहाल के लिए ठीक है। तो अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे कुछ टेक्स्ट, जो कि यहाँ पर हम लिखने वाले हैं टोमेटो केचप। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और पेस्ट करूँगा टेक्स्ट को। तो ये देख रहे हैं कि टेक्स्ट यहाँ पर हमारा आ चुका है, और ये एक डेमो फॉन्ट था जो कि मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, तो डेमो के लिए है, तो इसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपल एक और कॉपी लेकर इसकी, तो अब यहाँ पर मैं दूसरा टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर दूंगा केचप, जो कि मैंने रेड में ही ले रखा है। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ बड़ा करेंगे और टमाटो को उसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर। इन दोनों को पकड़ के मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये ठीक है। तो यहाँ पर एक टेक्स्ट और मैं डाल रहा हूँ फ्रेश क्वालिटी, तो इसको मैं यहाँ पर रखूँगा और इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर रखेंगे सेंटर में इसके। तो ये यहाँ पर ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैंने इसके तीन पॉइंट्स और लिख लिए हैं, जो कि नेचुरल फ्लेवर है, 100% नेचुरल है और ऑर्गेनिक केचप है। तो यहाँ पर लिखने का इसका थोड़ा सा हम इसको स्टाइल में लिखेंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ ये सर्कल और एक सर्कल मैं क्रिएट करूँगा इस तरह से। इसको हम थोड़ा इधर की तरफ रखेंगे, ये लाइन के ऊपर ही हम अपना पॉइंट्स रखेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ये पॉइंट्स। तो हमें एक लाइन यहाँ पर मिल चुकी है। इसका कलर जो मैं करूँगा वो करूँगा रेड, और इसको मैं यहाँ कर दूँगा थोड़ा थिकनेस इसकी बढ़ा दूँगा, ये ठीक है। और इसको यहाँ से कर देंगे हम डॉटेड। तो अभी इसको मैं थोड़ा सा स्केल करूँगा और इस तरफ से घुमा के ऐसे रखूँगा इस स्टाइल में। और अभी मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ आइकन्स के साथ, इसको हम दिखाएंगे आइकन्स के साथ दिखाएंगे तो काफ़ी ये अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक सर्कल पहले बना रहा हूँ, यहाँ पर क्रिएट करेंगे और ये रेड कलर उसके अंदर हम फिल कर देंगे। इस तरह से हम ये पॉइंट यहाँ पर शो करेंगे। तो जो आइकन मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ वो मैंने फ्लैट आइकन से मैं ले रहा हूँ। तो आप यहाँ पर जो भी नेम सर्च करेंगे तो वो उसके रिलेटिव सारे आइकन्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो ऑलरेडी मैंने सारे आइकन निकाल के रखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैं ये आइकन ले आया हूँ और इनको यहाँ पर हम सेट कर लेते हैं ऐसे। सिंपल इनका कलर मैंने यहाँ पर वाइट कर दिया था, तो ये आप यहाँ पर कलर ओवरले से आप इसको वाइट कलर कर सकते हैं। PNG कलर में, आप PNG फॉर्म में आपको ये आइकन यहाँ मिलते हैं। इस लाइन को मैं थोड़ा सा हल्का कर लूँगा, थिन कर लूँगा, तो ये मेरे लिए अब ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कुछ लीफ यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, जो कि इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको रख देता हूँ और सिंपल इसकी कॉपी लेकर इनको मैं इस तरीके से प्लेस करूँगा ऐसे, और थोड़ा सा इसको एक जगह और रख देते हैं कहीं, मुझे यहाँ पर ये थोड़ा छोटा करके लगा देता हूँ। तो ये यहाँ पर मुझे सही लग रही है।
तो यहाँ पर अभी हम टमाटो लेकर एक बॉर्डर सा बनाएंगे, थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ टमाटो हम डाल देंगे, जिससे कि ये काफ़ी अच्छा लुक यहाँ पर आएगा। तो जैसे कि मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ अलग अलग, उसमें ये सारे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर ऐसे इनको सेट करेंगे। तो बाकी और भी पोजेस में हमारे पास टमाटोज हैं, तो इनको भी उठा लेते हैं। तो ये है, इनको यहाँ रख लेते हैं, और एक और हमारे पास है ये, और इसको कर देंगे क्लियर स्टाइल। अब इसी का हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ताकि ये एक अच्छा यहाँ पर हमको लुक मिल जाए। सिंपल इसकी कॉपी कर करके हमको जैसे अंदर उसमें किया था, ऐसे ही हम इसमें यहाँ पर रखेंगे, और इस तरह से रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बॉटम में कितने अच्छे एक तरीके से टमाटो यहाँ पर आ चुके हैं, जो कि ये काफ़ी सही लग रहे हैं देखने में। तो अब इसकी हम ग्रुप बना लेंगे, तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो ये ग्रुप हमारा यहाँ बन जाएगा। सेम इस ग्रुप को हमें डुप्लीकेट करना है, राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ग्रुप ओके कर देना है, और सिंपल इसको यहाँ से ड्रैग करेंगे या टॉप पर इसको लगा देंगे। तो इसको यहाँ से वर्टिकली फ्लिप कर लेते हैं इस पोजिशन में, तो ये यहाँ पर मुझे सही लग रहे हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर ये। तो अभी इनको भी थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, और पूरे डिज़ाइन को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ यहाँ पर। अब इसमें हम डालेंगे प्राइस टैग। प्राइस टैग का एक डिज़ाइन हमने यहाँ बनाया हुआ है इलस्ट्रेटर में, तो आप इस तरह से कोई भी यहाँ पर लेबल्स बना सकते हैं। तो ये लेबल मैंने कैसे बनाया है, इसमें मैंने जिगजैग इफेक्ट हमने डाला हुआ है, तो इसको सिंपल आप ये इस तरह के इफेक्ट यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, आपको कम ज़्यादा करना है, कैसे करना है, तो वो सब आप यहाँ कर सकते हैं। तो सिंपल इसको ले चलते हैं फोटोशॉप में। तो यहाँ पर हम ले आए हैं अपना प्राइस टैग, और इसको यहाँ पर हम स्केल करके रखेंगे। तो ये हमारा सब कुछ सेट हो चुका है। अब यहाँ पर हम ऐड करेंगे बैकग्राउंड, जो कि बैकग्राउंड आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वुडन बैकग्राउंड। आपको किसी भी तरह का बैकग्राउंड यूज़ करना है अपनी डिज़ाइन में, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिंपल इस साइड से बैकग्राउंड वुडन बैकग्राउंड सर्च किया है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी इसने इमेजेस मुझे दिखा दी हैं, जो कि मैं इसमें ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करूँगा। तो ये बैकग्राउंड हमारा आ चुका है, और इसको ले जाएंगे हम नीचे, सबसे नीचे लेयर में। ओके, इसको स्केल कर लेंगे यहाँ से। तो ये वाला पार्ट हम यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं जो यूज़ करूँगा, लेवल्स यूज़ करूँगा, ताकि वो थोड़ा सा यहाँ पर लाइट हो जाए। तो इसको मैं यहाँ से कम करूँगा इस तरह से, जो आप देख रहे हैं कि वो कलर भी लाइट हो चुका है और वो टेक्सचर भी इसके अंदर दिख रहा है। तो इस तरह से ही हमें ये यूज़ करना है, तो ये ठीक है। और इसका जो ओपेसिटी है वो, सॉरी, इसकी नहीं करनी है, इसकी ओपेसिटी हमें थोड़ी सी यहाँ डाउन करेंगे 70 के आसपास। तो ये अभी एक टेक्सचर भी आ चुका है और काफ़ी अच्छा यहाँ लग रहा है। इसके पीछे आप कुछ शेडो भी दे सकते हैं, तो ये भी काफ़ी सही यहाँ लगेगी। तो ओके, तो ये हमारा डिज़ाइन यहाँ बनकर तैयार हो चुका है, जो कि दिखने में काफ़ी सही लग रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।